दोस्तों फॉरेस्ट जीके के लिए ये लास्ट क्लास है, 10 क्लासेस हमने डिस्कस कर ली हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा अदर जो इन टॉपिक्स के अलावा हो। मेरा बोलने का मतलब ये है अगर इन टॉपिक्स को भी आप अच्छे से तैयार कर लेते हो फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मीन्स कि 10-15 क्वेश्चंस जो बनेंगे फॉरेस्ट जीके से वो कवर हो जाएंगे। अगर इससे एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना है, मॉक टेस्ट भी चाहिए, फॉरेस्ट जीके के पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल भी चाहिए तो वो आपको पेड क्रैश कोर्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना टाइम से। फॉरेस्ट गार्ड क्रैश कोर्स जो होगा उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जैसे पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी करो या फिर बाकी एग्ज़ाम्स की तो वहाँ भी ये काम आएगा। पिछले वीडियो में आप सभी के लिए क्वेश्चन पुट किया था, लिस्ट एक थी और दूसरी लिस्ट थी। जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें बायो कंजर्व्ड रिजर्व्ड एरिया था और दूसरा स्टेट था। जैसे सिम्पलीपाल है यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। उसका देहांग दबांग था तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद नोकरेक था और कंचनजंगा था। कंचनजंगा आपको सिक्किम में मिलेगा और नोकरेक जो है ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, मेघालय में। तो उस हिसाब से आपको मिलाना था। आइए देखते हैं, ए के साथ आ गया 4, बी के साथ आ गया 3, सी के साथ आ गया 5, डी के साथ आ गया 1, 4-3-5-1। ये देखो बी ऑप्शन 4-3-5-1। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने पड़ते हैं जब एग्ज़ाम में आते हैं। और इन क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। तो ये जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्ड एरियाज थे ये आपको पता चल गया कि किस किस स्टेट में है। तो एक पार्टिकुलर क्वेश्चन जो है उसी में हमने 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब यहाँ पे नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेगी लिस्ट एक में और दूसरी में स्टेट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है बोंडला वन्य जीव। तो बोंडला वन्य जीव आपको कहाँ पे मिलता है, गोवा में, ठीक है। ए के साथ लगा दो 4। उसके बाद दोस्तों कंगेर घाट राष्ट्रीय पार्क, कंगेर घाट राष्ट्रीय पार्क आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, तो बी के साथ लगा दो 3। उसके बाद औरंग अभ्यारण्य, औरंग अभ्यारण्य जो है ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, तो यहाँ पे सी के साथ लगा दो आप 1। उसके बाद दोस्तों उषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य आपको कहाँ पे मिलेगा, ये है उड़ीसा में, ठीक है, सी के साथ फर्स्ट। तो यहाँ पे डी के साथ आप फर्स्ट लगा दो। तो आइए दोबारा फिर से देखते हैं, बोंडला वन्य जीव आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको गोवा में मिलेगा। उसके बाद कंगेर घाट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे मिलेगा, ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। औरंग अभ्यारण्य कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको असम में मिलेगा। और उषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा उड़ीसा में। तो यहाँ पे देखिए 4-3-2-1 ए ऑप्शन जो है इसमें है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेशनल फॉरेस्ट या फिर रेफरेंडम है और लिस्ट 2 में स्टेट है। तो सबसे पहले कंगेर घाटी राष्ट्रीय वन, अभी अभी हमने देखा ये छत्तीसगढ़ में ही है, ए के साथ लगाओ 1। उसके बाद नेगर होल राष्ट्रीय वन, तो ये आपको मिलेगा कर्नाटक में, बी के साथ लगाओ 4। उसके बाद कुगती वन्यजीव अभयारण्य, तो ये कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है हिमाचल में और सही है ये। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, हरियाणा में, तो डी के साथ लगाओ 2। 1-4-3-2 ए ऑप्शन जो है सही होगा। अब इस टॉपिक को पकड़ना क्योंकि ये नया टॉपिक आया है और मैंने कम से कम 40 या 50 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू, तो बस इन टॉपिक्स को पकड़िएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिस्ट एक जो है उसमें देखो राष्ट्रीय भारतीय वन्य प्राणी जातियाँ हैं और दूसरी लिस्ट में वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ कास्ट। तो
तो सबसे पहले एशियाई जंगली गधा जो है उसको क्या बोला जाता है, बारासिंगा जो है उसको क्या बोला जाता है, चिंकारा जो है उसको क्या बोला जाता है, नीलगाय जो है उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो एशियाई जंगली गधा जो है दोस्तों, ए जो है इसके साथ कौन सा आएगा, थर्ड इक्कस हेमिओनस। उसके बाद बारासिंगा जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सर्वस टुबाक सेली, तो सेकंड आएगा। और उसके बाद चिंकारा जो है, चिंकारा को बोला जाता है दोस्तों गजेला, तो यहाँ पे फोर्थ आ जाएगा। और नीलगाय जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बोसमाफल ट्रैगो कैमल्स, तो फर्स्ट 3 2 4 1, तो ए ऑप्शन में आ रहा है ये 3 2 4 1। तो इस तरीके से याद रखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई तो, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के ना आए। तो इसलिए हर टॉपिक में बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो हैं, एटलीस्ट जो नेशनल एनिमल्स हैं या फिर स्टेट एनिमल्स हैं उनके साइंटिफिक नाम एटलीस्ट याद करके जाना, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा एग्ज़ाम में। इस तरफ जो है कच्छ वनस्पति मिलती है, मिर्च वेजिटेबल इसको बोला जाता है। और इस तरफ जो है राज्य है कोई भी स्टेट है, ठीक है। तो अचरा जो है कहाँ पे मिलती है, कुंडापुर कहाँ पे मिलेगी, उसके बाद पिछवरम कहाँ पे मिलेगी, पेमनाड कहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पे राज्य जो है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों यहाँ पे अचरा है ए ऑप्शन, तो अचरा आपको मिलेगा तमिल नहीं महाराष्ट्र में, तो फोर्थ ऑप्शन यानी कि महाराष्ट्र ये फोर्थ नंबर पर है। उसके बाद कुंडापुर, और हाँ ये याद रखना ये जो अचरा है इसको रत्नगिरी भी बोला जाता है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं घुमा फिरा के। कुंडापुर जो है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, कुंडापुर आपको मिलेगा कर्नाटक में, तो फर्स्ट ऑप्शन। उसका पिछवरम, पिछवरम आपको आंध्र प्रदेश में ही मिलेगा, तो थर्ड। और डी के साथ क्या है, वेम्बनाड जो है, वेम्बनाड आपको मिलेगा केरल में, तो एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं, ये जो अचरा या रत्नगिरी है ये आपको महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है। उसके बाद यह जो कुंडापुर है ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। उसके बाद पिछवरम जो है ये तमिलनाडु में मिलता है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है पिछवरम साउथ इंडिया का नाम है, तो फिफ्थ आएगा इसके साथ। और वेम्बनाड जो है केरला में मैंने बताया, तो केरला सेकंड पर है, 4 1 5 2, तो ये डी ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, तो इसको चूज़ करो दोस्तों। यहाँ पे इस तरफ जो है सूची एक, इसमें पक्षी अभयारण्य होंगे, पक्षी विहार होंगे, और इस तरफ जो है वो जगह होगी पार्टिकुलर, कई बार स्टेट आ जाता है कई बार जगह आ जाती है, तो आपको उस हिसाब से ही देखना होता है। तो सबसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये कहाँ पे है, ये आपको उन्नाव में मिलता है, उन्नाव आपको पता होगा कहाँ पे है, ठीक है, यूपी। उसके बाद ए के साथ सेकंड ओखल पक्षी विहार जो है ये कहाँ पे है, तो ये गाजियाबाद में है, गाजियाबाद जो है यूपी, तो बी का 3। और उसके बाद है शमसपुर पक्षी विहार, तो ये आपको कहाँ पे, रायबरेली में मिलता है बिहार, तो सी जो है इसके साथ 4 आएगा। और लास्ट है डी, और पार्वती आरंगा पक्षी विहार, तो ये आपको मिलेगा गोंडा में, तो फर्स्ट। अच्छा कमेंट करके बताना ज़रा ये गोंडा जो है किस राज्य में है, अगर इसका आंसर आप बताते हो तो आप काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हो, तो सी ऑप्शन जो है ये सही आंसर निकल के सामने आ गया, 2 3 4 1। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये सोच रहे होंगे कि हम तो बोर हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते एंड सो ऑन। दोस्तों अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको नंगे पांव चलना होगा, मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप अगर अपने अंदरूनी सुख के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको वो चीज़ निग्लेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको सच्ची मेहनत करनी है तो आपको कष्ट भी सहने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे। आप बस ये सोचिएगा जिस दिन आप फॉरेस्ट गार्ड बनोगे, सरकारी नौकरी होगी,
आपके माता पिता का क्या रिएक्शन होगा, आपका क्या रिएक्शन होगा। हजारों स्टूडेंट्स से मैं मिल चुका हूँ जो सरकारी नौकरी हासिल कर चुके हैं। जिस दिन उनकी सरकारी नौकरी जो है कॉल लेटर आता है कि आपकी ज्वाइनिंग यहाँ होगी एंड सो ऑन, दोस्तों उनका चेहरा देखने लायक होता है और मैं चाहता हूँ कि आपका चेहरा भी उस तरह से ही हो जब रिजल्ट आए। तो बस जुट जाओ, दिन रात एक करो। इस तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और इस तरफ जो है जगह है कोई पार्टिकुलर, तो फटाफट से आप मैं डिस्कस करूँगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको मिलता है मंडला में। उसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको मिलता है शहडोल में। माधव राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पे मिलता है, शिवपुरी में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों बस्ता में, ठीक है। तो 2413 बी ऑप्शन जो है ये सही होगा, इसको याद रखना। बाकी ये ज़रूर फाइंड आउट करो कि शिवपुरी कहाँ पे है, मंडला कहाँ पे है, बस्ता कहाँ पे है, शहडोल कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। यहाँ पे मेल अच्छा नहीं है, वही हमें चूज़ करना है। तो महू अटाई अभ्यारण जो है कहाँ पे है, पलामू में, ये सही है। तोप चांची अभ्यारण कहाँ पे है, धनबाद में है। उदबा पक्षी बिहार कहाँ पे है, कोडरमा नहीं है ये। उसके बाद लामा लांग अभ्यारण कहाँ पे है, चतरा में है, ये सही है। तो सही जो है 1, 2 और 4, 3 सही नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये जो उदबा पक्षी बिहार है ये कहाँ है। तो दोस्तों ये झारखंड के छतरा दीहा में है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अब मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बताता हूँ उसको भी याद रखो, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चंस बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ, एक टाइम था तो झारखंड जो है बिहार का हिस्सा था, ठीक है। तो साहिबगंज जो है ये बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जैसे ही 2000 ईस्वी में झारखंड बना तो ये झारखंड का हिस्सा हो गया साहिबगंज जो है। अब मैंने जो पार्टिकुलर जगह आपको बताई छतरा दीहा झारखंड, वो याद रखना, उदबा पक्षी बिहार वहीं पे है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है मल्टीपर्पज़ ट्री, जिसको सोशल फॉरेस्ट्री में यूज़ किया जाता है, वो खेजरी है। तो डी ऑप्शन सही होगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वन हैं, उनका नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए। कौन सा इनमें से युग्म जो है सही सुमेलित है, वन्य जीव विहार जो है ये सरिस्का में है, तो बस यही सही है, बाकी ये 3 गलत हैं। तो आपको अगर डिटेल में पता करना हो कि कौन सा कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे, तो ये पेड ग्रास कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हम पार्टिकुलर आपको अच्छे से स्टडी मटेरियल देंगे अरेंज करके, तो उसमें सब कुछ होगा ये। और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, और इसी के साथ हमारी जो फॉरेस्ट्री की क्लासेस हैं ये समाप्त होती हैं। तो 30 या 40 टॉपिक्स जो आपको पढ़ाए हैं मैंने, अगर उनको पढ़ लोगे तो इनफ हैं। अगर उससे एक्स्ट्रा भी पढ़ना है तो पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना, व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। कितनी फीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलता रहता है, तो जुड़े रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।